जो सील सील का पोजीशन है, अगर थोड़ा उठ जाता है तो उसमें हम लोग 60-70% कीड़ा समझते हैं। अच्छा। अगर पूरा का पूरा अगर यानी 90 डिग्री एकदम डूबा हुआ रह गया उसमें पानी में थोइंग के समय, तो हम लोग समझते हैं कि उसमें 100% कीड़ा है। अच्छा। और ये जो अनुभव आप दे रहे थे अभी कि जो सीमेंट डालते समय हॉर्न में भी डाला, बॉडी में भी डाला, इससे एक 3-4 जगह जो आपने डाला सीमेंट को थोड़ा थोड़ा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या होता है कि बॉडी में डालने से ही दोनों में चला जाता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली छोड़ देते हैं कि डायरेक्टली वहाँ कीड़ा को पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हो, डायरेक्टली वहाँ छोड़ देते हैं और थोड़ा सा बॉडी में छोड़ते हैं कि अपना धीरे धीरे इधर अगर जा गया नहीं जाएगा उससे नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट छोड़ देते हैं वहाँ की, डायरेक्ट वहाँ चला जाए एप्ला में जाने में उसको कोई दिक्कत ना हो। कितना साल से काम कर रहे हैं सर? हम लोग करीब वही 20 साल हो ही गया। काफी अनुभव है इनको, पुराना आदमी है और इनको इस चीज का अच्छे से जो गर्भाशय का पकड़ है, या 6 घंटा इंतजार करता अगर वो हम आ गया तो एप्ला में, अगर इधर से शुक्राणु छोड़े थे एप्ला में जाकर के 6 घंटा उसका इंतजार करता है, तो दोनों का वहीं पर मिलन होता है, मिलन होने के बाद अपना गर्भाशय में धीरे धीरे स्पर्म जो है से दोनों मिलकर करके जायगोट तैयार होता है। कुछ सीमेन के बारे में बताइए, सीमेन का क्या पहचान असली सीमेन का होता है? या असली सीमेन के बारे में तो उस पर आपका NDDB जैसे नंबर डाल करके उसको जांच कर सकते हैं कि हाँ हमारा असली है नकली है, वो अपना मैसेज उस पर छोड़ देगा। तो उस सैगे में सिर्फ है कि अलग कंपनी वाला में भी है? अदर में तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम इसी को यूज करते हैं। सबसे बेस्ट डाले मेरा कौन सा डाल दिया, मैंने तो आपसे बात ही नहीं की। SMG वाला ही डाले हैं आपका? अच्छी क्वालिटी डाले हैं ना? NDDB हाँ, क्वालिटी अच्छी है ना? हाँ, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ ओके, NDDB वाला है। ओके ओके। और ये कौन सी नस्ल का डाले थे? ये साहिवाल नस्ल का डाले हैं। साहिवाल के डाले हैं? हाँ। मतलब इंडिया ब्रीड को, इंडियन ब्रीड को आप बढ़ावा लगता है वो करना चाहते हैं? विदेशी को हम ज्यादा नहीं देते, उसमें जब बहुत तरह का बीमारियां होता है, इन्फेक्शन जल्दी लग पाता है, इसमें हम लोग का जो है कि क्या बोलते हैं प्रजनन क्षमता भी ठीक रहता है और वाइटल फोर्स जो इसका बॉडी का है वो अच्छा रहता है, इन्फेक्शन बहुत कम लगता है। तो जो सीमेंट डाले हैं उसका मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना होगा, जो उसका माय होगा? इसका 10 लीटर तक मैक्सिमम रखिए। जो बच्चा जन्म लेगी वो 10 लीटर दूध देगी? वो तो होता है आपका, मान लीजिए कि गाय जो जितना दूध करती है उससे 50% उठ से, जिस माँ से वो बच्चा जन्म लिया है उसका 50% दोनों को हम लोग जोड़ करके हाफ करते हैं। ओके। ये तो ये आपका अनुभव था, मतलब फिर उसका भी तो सीमेंट जो डाले उसका बुल का भी गुण इसमें आता है और इसका भी आता है, 50% उसका 50% इसका, तो दोनों मिक्स हो करके और उसका 50% हो जाता है, जितना दूध देगी मतलब वो बढ़ जाता है। 2 लीटर है तो 1 लीटर उसका मालिक वो आपको 10 लीटर देने वाला था, 5 लीटर उसका 6 लीटर आ जाएगा कंपनी। इसी को ब्रीडिंग शायद बोलते हैं जो है ना, फीडिंग ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, इस बिजनेस में 3 चीजों का शायद ज्यादा रोल है। इक्विपमेंट अब एक नया जुड़ गया, मतलब मशीन, आप मशीन का सपोर्ट लेंगे तो लेबर कॉस्टिंग से लेके बहुत अच्छी जानकारियां आपसे मिली। और कुछ बताना चाहेंगे अपने तरफ से, कुछ है ऐसे आपको अनुभव कुछ हल, जैसे सीमेन के बारे में आपने बता दिया कि मैसेज के द्वारा चेक कर सकते हैं ओरिजिनल है कि नहीं, लेकिन आपके नज़र में सबसे बेस्ट जो है समय कौन सा होता है गर्भाधान का, कितना से कितना टाइम? गर्भाधान के 18 घंटा के बाद हम लोग 24 घंटा के अंदर तो ज़्यादा बेटर हम समझते हैं अपने आप। ओके अपने अनुभव में। चलिए ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपराध में कुछ कैसा जो आपको 36-72 घंटा जानवर गर्म रहता है, लेकिन अधिकांश 24 घंटा में अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा नॉलेज दिया और आपके बातचीत से अच्छा लगा। ओके।